गढ़ थाना के निचावड़ी के गांव में घर के सामने जबरन ट्रक का हीरोइन रखने को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त संघर्ष हो गया, जिसमें से एक पक्ष के एक व्यक्ति की मौत हो गई, वही जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। देर शाम राज बहादुर गुजर कृष्णपाल पुत्र जगन्नाथ के घर में सामने ट्रैक्टर का हैरो रखने के लिए गया था, और तब जिसका कृष्ण पाल ने विद्रोह किया है, और इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि राज बहादुर की ओर से चंद्रपाल, राजकुमार दीपक और विषम के दूसरे पक्ष से कृष्णापाल, नीतू और रामू की बुरी तरह पिटाई कर दी गई है, जिसमें से कृष्णापाल के सिर पर चोट लगी है, जबकि रामू और नीतू दोनों घायल हो गए। अस्पताल में ले जाते समय कृष्णालाल के दम तोड़ दिया है। घटना की जानकारी होने पर एडिशनल के SP डॉक्टर अवधेश सिंह ने कई दिनों से फोर्स के साथ गांव में पहुंचे हैं। उन्होंने बताया है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए तीनों टीमें गठित की गई है, जल्दी इनके गिरफ्तारी हो जाएगी। गांव में फोर्स तैनात कर दी गया है। हत्या हुई है सर, इस संदर्भ में क्या क्या है? आज शाम को करीब 5 बजे कृष्णपाल के घर की जमीन थी, घरों जिसको बोलते हैं, घर उनका पुराना था, उस पर इनको बंटवारे मिला था। उस ज़मीन पर अचानक राज बहादुर के परिवार के लोग ट्रैक्टर ले जाए हैरो खड़ा कर दिए, जिस पर इन लोगों में विवाद हुआ और चोट लग गई सिर में कृष्णपाल को, और नीतू सिंह एक इनका भतीजा, उसके हाथ में चोट लगी थी। अस्पताल ले जाने के बाद वहाँ पर कृष्णपाल की मृत्यु हो गई। इस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसके अनुसार जो भी तहरीर प्राप्त हुई है आर्थिक कार्रवाई की जाएगी, गठित कर दी गई है और तीनों टीमें रवाना हैं अभी तो गिरफ्तारी के लिए। जी, जैसे भी मिलते हैं तो गिरफ्तार के लिए। के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस